टेक्निकल पॉइंट में दोस्तों, तो आज का हमारा एपिसोड है एपिसोड नंबर 7। जैसे पिछले ही एपिसोड में हमने प्रोफेसर ओ की जीएस बॉल को फाइनली डिलीवर कर दिया है प्रोफेसर के पास, जो दूसरे वाले प्रोफेसर थे जो मतलब पोकेबॉल्स को क्रिएट करते हैं। और उसके बाद उन्होंने हमें बदले में दी एक फास्ट बॉल और 3 वाटर बॉल, ताकि हम मतलब उन पोकेबॉल्स का इस्तेमाल कर सके पोकेमॉन पकड़ने के लिए, मतलब बहुत इजीली। और साथ में वो बोला, उन्होंने कहा था कि वो मतलब जीएस बॉल की मिस्ट्री को सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे। और उसके बाद हम गए थे अपने सेकंड बैच के लिए, जब हम बैच के मतलब जिम के अंदर गए तो हमें मिला हर जगह फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट। तो हम मिले थे जिम लीडर के साथ, जिससे हमने बैटल किया और हम जीत गए। तो हमने जिम लीडर को वापस वादा किया है कि अगली बार अगर हम सिटी में आए तो जिम लीडर जरूर फाइट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको आज का यह पार्ट कैसा लगा। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, पिछला मैंने पूछा था कि ये कौन सा पोकेमॉन है, तो दोस्तों ये है ज़ेब्डोस। सबसे पहले आंसर दिया है डीएक्स किंग ने, उसके बाद दिया है यश भाई ने, फिर दिया है मोहम्मद भाई ने, फिर युगदीप एफएफ ने, और उसके बाद दिया है शालू ने। दोस्तों ये वो डीप पोकेमॉन हार्ड फ्रेंड था जिन्होंने जवाब दिया। अगर आप डीप पोकेमॉन हार्ड फ्रेंड तो भी आप जवाब दे पाते। क्वेश्चन कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। चलिए गाइस अब बढ़ते हैं और देखते हैं इस फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करते हैं। पहले भी हमने एक्सप्लोर किया था पर मैं वापस आ गया था क्योंकि मुझे कुछ पोकेमॉन के लेवल गेन करने थे, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारी फाइट की थी, मतलब यहाँ पे मतलब लोग थे फाइट करने के लिए। पहले हम उनके पास जाके मतलब अपनी आखिरी फाइट कर लेते हैं जो मैंने फाइट अभी तक नहीं की है। ये कौन सा पोकेमॉन है, कोई भी नहीं चाहिए। और मतलब वो नीचे की तरफ है और मैंने नीचे की तरफ देखे थे, मतलब उन लोगों से मैंने कुछ 2-3 लोगों से फाइट की, एक ही बंदा रह गया हराने को। उसके बाद हम इन सबको हरा लेंगे, सब यही बंदा है जो आगे खड़ा है उसको ही हराने में। ये हम ले लेते हैं आइटम, हमारे सीधा पॉकेट में गया। और साथ में कौन सा पोकेमॉन, किसी कैडी भी आया नहीं चाहिए यार। तो फाइनली मतलब हमारा बैटल शुरू हो चुका है। ये मेरा लास्ट पोकेमॉन ट्रेनर जिसको हमने हराना है। तो इसके पास बर्ड टाइप पोकेमॉन है वीडियो ले रहा है, सबको वीडियो ही होता है क्या। तो पिकाचू करो थंडरबोल्ट, स्पार्क्स करें, स्पार्क्स कर देते हैं यार, कोई बात नहीं। स्पार्क्स किया और वीडियो पूरा खत्म। अब उसके बाद अब चलते हैं यहाँ से आगे। अब यहाँ पे मतलब कुछ है तो नहीं है फाइट करने के लिए, इस फॉरेस्ट को भी जल्दी पार करना है हमें। नहीं चाहिए यार। तो ये है ऊपर से रास्ता, ये एक लेक है। अरे ये हम इस तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे कुछ वाटर टाइप पोकेमॉन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिस्ट्री बोल रही है चुपचाप बैठ के मतलब कैच करने की कोशिश करो। तो क्या इसमें यहाँ पे कौन सा पोकेमॉन पकड़ने वाले हैं, क्या वो मतलब पॉलीवैक है। हम कितनी देर तक ऐसे ही खड़े रहने वाले हैं। एक क्रोकोडाइल, अरे वाह, तो क्रोकोडाइल को पकड़ने का टाइम आ चुका है। गाइस क्रोकोडाइल सामने है हमारे और मुझे लगता है इससे बिल्कुल सिक्योरिटी वाला सीन होगा, मतलब ये क्रोकोडाइल मतलब ना पकड़े ज्यादा बेटर है। तो मिस्ट्री अपने अपनी पोकेबॉल वेस्ट करेगी इसके लिए, मतलब इसको हम टोटली हरा देते ठंडा बोल्ट के साथ। थंडरबोल्ट करो और टोटली पूरा हार जाएगा। हमने कर दिया टोटल और इस टोटल थंडरबोल्ट कर दिया, टोटल हार चुका है। और साथ में गो पोकेबॉल दोनों ने पोकेबॉल फेंक दी, मैंने और मिस्टी ने। तो किसके पोकेबॉल से पकड़ा जाएगा टोटल, वैसे मुझे लगता है मिस्टी के पोकेबॉल से टोटल पकड़ा जाता है मेनली, मुझे लगता है। तो ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, दैट वन इज माई, इट्स माई। अरे यार लड़ते रहो। ब्रॉक ने मतलब इसको ले लिया है और ब्रॉक ने कहा अब इसका डिसीजन का एक ही मतलब रास्ता है बैटल का, अ पोकेमॉन बैटल। तो मतलब बैटल शुरू हो चुका है और हम मिस्टी को हरा कर टोटल अपनी टीम में शामिल कर लेंगे। ये है टोकी पी, कितने लेवल की है, 11 की। अरे हमारा तो कुछ 26 का है।
पिकाचू को थंडर बोल्ट अटैक। थंडर बोल्ट टोकी थी मतलब पूरी गई, ठीक है। अब नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा हो सकता है इसका, मतलब स्टारव्यू। ओके नहीं यार, पोकेमॉन की जरूरत ही नहीं है जब हमें इस बस तीन पोकेमॉन। अगला स्टार भी होगा क्या मेरे हिसाब से? यार पहले भी इसने टोकी प्री ऐसे ही ले ली थी, तब हम जीत गए थे और टोकी प्री इसने ले ली थी, क्योंकि टोकी प्री पहले इसको ही देखा था। पर इस बार हम ही लेके जाएंगे, जैसे लेके ऐसे जाता होता है। ये लीडर मिस्ट्री का वो लिखा क्यों आ रहा है? पोली वैक, ओके। थंडर बोल्ट अटैक और पोली वैक पूरा गया। तो मिस्ट्री का पोली वैक भी ये बैटल हार चुका है और इसके साथ टोटोराइल हमारा हुआ। तो मिस्टी हार चुकी है, नो वेट। अच्छा इसके लिए अभी मुझे बीट करने के लिए अब इसको कौन सा लास्ट साइडा का लास्ट पोकेमॉन क्या है इसका? हाँ साइडा की होगा मेरे हिसाब से। पोली वो विकसित हो गया क्या इसका? पोली बैग इतनी जल्दी विकसित हो गया? क्विक अटैक क्यों कर दिया मैंने यार, गलती से हो गया। अरे यार हिप्नो चीटिंग मेरा फिकसी सो गया। अब मतलब बल्बसोर को निकालना पड़ेगा, तो यही चाहते कि बल्बासोर टीम में आए। तो कहाँ है बल्बासोर? बल्बासोर तो हमने यूज़ करें बल्बासोर, अब हम करेंगे मतलब एजली। एजली अटैक बिल्कुल सही है इसको हराने के लिए। पहले हमने एजली अटैक कर दिया है और इसी के साथ ही पोलीवैक हार गया, मतलब पोलीवर। और इसके साथ मिस्टेक हमने दो बार हराया। दो बार हारने के बावजूद भी अगर ये हमें पोकेमॉन नहीं देगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। इसी का टोटल क्या हमारी टीम में आ चुका है, फाइनल टोटल हमारी टीम में आ चुका है। अब चलते हैं पोकेमॉन सेंटर, क्योंकि पिकाचू को जगाना भी है, पिकाचू सो चुका है। अरे कैटीपी आ गया, और मतलब कैडीपी आएंगे यहाँ पे। मतलब और कोई पोकेमॉन है ही नहीं इस घास में लगता। नहीं यार मैंने पिछले कोई ना कोई पोकेमॉन देखे थे और साथ में कोई पोकेमॉन गेम और तो नहीं बोल रहे खेलने को। अरे यार नियॉन ब्लू, मैंने नियॉन ब्लू के भी तीन एपिसोड्स के बाद कुछ नहीं बनाया यार, उसको भी देखना है, इस गेम को भी देखना है। वैसे मुझे ये गेम ज़्यादा ऑसम लग रही है, क्योंकि ये ऐश पे बेस्ड है ना, तभी मुझे अच्छी लग रही है बहुत ज़्यादा ये गेम। इसलिए मैं थोड़े छोटे छोटे पार्ट बना रहा हूँ, ताकि मतलब हम पूरा गेम का मजा ले सके। मतलब बड़े बड़े पार्ट बनाएंगे सब कुछ इंक्लूड नहीं हो पाएगा उसमें, और इसमें आपको भी ढूंढने मुश्किल होगी। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि बल्बासोर को अपने पीसी में शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि बल्बासोर के बाद शायद में फैंटी मिलता है, कि मतलब उसका एग मिलता है या फिर क्या मिलता है, वो क्या नाम था, नोक्टावल, वो भी शाइनिंग नोक्टावल क्या पता। तो पहले मैंने पोकेमॉन हील्ड कर लेता ताकि पिकाचू मेरा जाग जाए। तो नर्स जॉय ने कर दिया हमारे पोकेमॉन हील। यार मुझे बाकी पोकेमॉन्स को भी फाइट करवानी है यार, थोड़ी ट्रेनिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो हम जिम के बाहर चलते हैं और सीधा जंगल की तरफ वापस चलते हैं, जिस फॉरेस्ट से हम आए थे उसी फॉरेस्ट में वापस चलते हैं। और मैं सोचूंगा कि कल का एपिसोड जो मैं बनाऊंगा, मतलब कल या परसों जब भी बनाऊंगा, थोड़ा लंबा एपिसोड बनाऊँ, क्योंकि थोड़े 10-10 के मतलब मिनट के एपिसोड छोटे छोटे लग रहे हैं मुझे, कुछ छोटे लग रहे हैं, पर मुझे मज़ा आ रहा है इस गेम को खेलने में बहुत ज़्यादा। मतलब पूरी ऐश बेस्ड स्टोरी में यार क्या मज़ा अलग होता है यार। बस करो यार, कितने 15 की कैटेगरी दे गए। तो हम लेक के पास दोबारा वहीं पे पहुंच चुके हैं। अब दोस्तों मुझे मेरे मन में ये आ रहा है कि उसको कि बस अब वीडियो का हम एंड कर देते हैं, इसका पार्ट हम अगली बार बनाएंगे। दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा। चाहे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, अगर अभी आपने फॉलो नहीं किया तो कर लो जाके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो।